सुनो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चली जाओ। मैं तो तुम्हें चंद दिनों में ही समझ गई थी, पर शायद आशी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत खुशकिस्मत है आशी, जिसे तुम जैसा इंसान मिला। जमील, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सच जरूर बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खाला के कहने पे किया था। वो चाहती थी कि तुम्हारी और आशी की तलाक हो जाए। जमील, नजमा तुमसे नफरत करती है। मैं समझती थी कि दूसरे मर्दों की तरह मैं तुम्हें भी लुभा लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो फरिश्ता हो, तुम्हारी जिंदगी में, दिल में आज भी आशी है और सारी जिंदगी वही रहेगी। तो मेरी जगह कहां से बनेगी? बस तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। आला, कभी तंग आया कभी मंग आया, कभी तंग आया कभी मंग आया। आवाज और नजरें नीचे रखकर बात कर मुझसे और चल जा, जा दफा हो यहाँ से। तूने मुझसे किस बात का बदला लिया? जिंदगी भर तेरे पीछे दुम हिलाता फिरता रहा, अरे नौकरों की तरह तेरी खिदमत करता रहा। तेरा कसूर क्या था? यही कि तेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। तूने पहले खुद शादी कराई आशी से और फिर शमा के जरिए मेरा घर बर्बाद कर दिया। शमा? कौन शमा? मैं किसी शमा परवाने को नहीं जानती। खाला, आज तू मुझे बताई थे जब तुमने आशी से मेरी तलाक करानी ही थी तो मेरी शादी क्यों करवाई उससे? ओ भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, जान बख्त है मेरी और आशी की। बस मैं बताता हूं कि तूने शादी क्यों करवाई। क्योंकि तेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी इज्जत को बचाने का। क्या मतलब? आशी के दामन पर दाग था। अलम, इतना भी बेवकूफ नहीं हो कि हकीकत ना जान सकूं। उस रात जब आशी आई थी तो आशी दागदार हो चुकी थी। मैंने वहां छुप के सब कुछ सुन लिया था, लेकिन ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। अपने साथ कब्र में लेके जाना चाहता था, लेकिन आज बहुत मजबूर होकर तुझे बता रहा हूं खाला कि आशी के साथ जो कुछ भी हुआ सब जानता था। आशी को बच्चा क्यों नहीं अच्छा लगता ये भी जानता था, लेकिन मैंने कभी उसे ताना नहीं दिया, कभी तंग नहीं किया उसे, उस पर कभी एहसान जताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि खाला, मैं सच में आशी से बहुत प्यार करता हूं और मैं कब्र तक इस बात को अपने सीने में दफन करके ले जाऊंगा। और तुझे भी खुदा का वास्ता है खाला, आशी को कभी ये बात नहीं बताना कि मैं सब कुछ जानता था। ये सारी बातें तुझे बताने का सिर्फ एक ही मकसद था
कि मैं तुझे यकीन दिला सकूं खाला कि जब इतनी बड़ी बात के होते हुए मैंने आशी से शादी कर ली, फिर एक औरत के लिए मैं आशी को कैसे छोड़ सकता हूं खाला। खुदा के लिए खाला मेरा घर बर्बाद ना कर। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल जा दफा हो यहां से, निकल। एनी प्रॉब्लम? नहीं तैमूर, तुम जाओ, ये हमारे घर का मामला है। आशी, तुम इसकी कोई बात मत सुनना। तुम जानती हो शमा कौन है? हाँ हाँ, वो बीवी है तुम्हारी और क्या? तुम्हारी माँ ने लगाया उसको मेरे पीछे। आशी, आशी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ? अभी सच पता चल जाएगा, एक मिनट। अंदर आ जाओ। कौन है ये? अदाकारी बंद करो नजमा। जमील को सच सच बता चुकी हूँ कि तुमने मुझे लगाया था जमील के पीछे। और तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ ने लगाया था मुझे जमील के पीछे ताकि मैं तुम दोनों का घर तोड़वा दूँ। बकवास बंद करो, पता नहीं कहाँ से उठकर आ गई। आशी, ये बीवी है इसकी, ये दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों मिलकर हम दोनों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। और वैसे भी तुमने इन दोनों को बगलगीर होते हुए देखा था ना। तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम? मैं इन दोनों को धक्के मार के यहां से बाहर निकालो। आशी, अरे अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकल यहां से। और तू भी चल चल, जाते हो या मेरी बेटी को खिलाफ करना चाहता था मेरे नजमा दुबई वाली के। सोचा कि आप वापस अमेरिका चली जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जाऊंगी। कुछ पता नहीं चल रहा है फरहा का पापा। पापा मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं आपको अपना बेटा जरूर दूंगा। मुझे हमजा चाहिए, मुझे हमजा चाहिए और कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे हमजा ला दो। आप मेडिसिन साहब नहीं खाना मुझे कुछ, मुझे मेरा बेटा ला दो, मेरा हमजा मुझे दे दो। हाँ? तुम जाओ, जाओ। कहाँ है वो, किधर छुपाया है तुमने उसको? हाँ कुछ पूछ रहा हूं, फरा कहां है?
बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए चाहिए, बताना ही है, साथ लेकर चलूंगा। अभी दूंगा तुम्हें, अभी और इसी वक्त। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी वालदा के साथ मेरे घर वापस आ सकती हो, सब कुछ दोबारा से ठीक हो सकता है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अदील, अदील मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो। कभी तंग घायल, कभी मन घायल, कभी तंग घायल, कभी मन घायल। अम्मा, आशी, जमील की बद्दुआ लग गई मुझे, बदशक्ल हो गई। अपाहिज हो गई।
काज हो गई, हम मौत के मुंह से बच कर आई हूं। नहीं माँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। तेरे लिए चूड़ियों का ऑर्डर देने गई थी, मुझे क्या पता था कि किसी की आ इतनी जल्दी लग जाएगी। एक फरिश्ते का दिल दुखाया था मैंने, अल्लाह नाराज हो गया मुझसे, मुझे अपाहज कर दिया, बदशकल कर दिया। आशी, मैं तुझसे, जमील से सबसे माफी मांगती, माफी माफी मांगती, मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मा, क्या कह रही है ये? आज मैं ही फसाद की जड़ हूं। हाँ, सबकी अधरा मेरा है, मैं तेरी और जमील की तलाक कराना चाहती थी। वो सच्चा था, मैंने शमा को उसके पीछे लगाया था। मुझे माफ कर दे आशी। तुम हो मेरी बर्बादी के जिम्मेदार। आशी, तुम इसकी कोई बात मत सुनना। तुम जानती हो शमा कौन है? हाँ हाँ, वो बीवी है तुम्हारी, और क्या? तुम्हारी माँ ने लगाया उसको मेरे पीछे। आशी, आशी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा? अभी सच पता चल जाएगा। तुमने किया ये सब कुछ? मुझे मेरे किए की सजा मिल गई आशी। जा, जा तू चली जा जमील के पास। इस सारी दुनिया में जमील से ज्यादा मोहब्बत तुझे कोई नहीं करेगा। वो सच्चा इंसान है, मैं ही नफरत करती थी उससे, फिर भी वो इतना बड़ा इंसान है कि हम सब छोटे पड़ गए उसके सामने। जमील कभी गलत हो ही नहीं सकता। तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे सब मालूम था। वो जानता था कि तू सब कुछ लुटा कर उससे शादी कर रही है, लेकिन उसका सर देखो, उस पर कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाए हमने, लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला। माफ कर दे मुझे।
मैं तो इसलिए गई थी कि चलो सुला सफाई करके तुम्हें ले जाता, लेकिन आशी वो तो तुझे रखना ही नहीं चाहता। उस दिन भी नाटक कर रहा था, आशी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और कमीना वो शमा की गोद में सर रखे बैठा था। शमा भी वहीं रह रही है उसके साथ। जानती थी मैं, जानती थी वो शमा वहीं होगी जरूर। दोनों नशे में थे आशी, और तुम्हें पता है उस मनोज शमा ने, उसने इतने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही वाहियात औरत है। मैंने तो जमील से कहा कि भाई अब करना क्या है, तो बड़ी अकड़ कर कहने लगा कि आशी से बोलो कि अदालत में जाकर खुला ले ले। अब बता क्या करना है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? तू चल मेरे साथ अदालत, जाकर खुला ले लेते। मैं भी खुला नहीं लेना चाहती। खुला नहीं लेना चाहती तो फिर क्या करना चाहती है? अरे सारी जिंदगी अपना नाम उस मनहूस के नाम के साथ जोड़े रखना चाहती है। वो तो शादी करके दूसरी बीवी घर ले आया, तू भी मट्टी डाल उस पर, मनहूस मारे को दफा कर। आशी क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो जमील। माफी क्यों मांग रही हो? तुम मजाजी खुदा हो मेरे, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा दो, मैंने बहुत दुख दिया तुम्हें, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तुम सब जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, फिर भी तुमने बदले में सिर्फ मुझे अपनी मोहब्बत दी, और मैंने मैंने क्या दिया तुम्हें? सिर्फ दुख। तुम बहुत बड़े इंसान हो जमील, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं। तुमसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली इंसान हूं जो तुम्हें दिल से चाहता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से कोई दुख मिले। तो हमेशा खुशी ही ढूंढता रहा तुम्हारे लिए। मर कर भी मुझसे जुदा मत कर। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी खाना खा लें, बीबी जी, बीबी जी खाना खा लें। रोज फॉर यू। चलो खाना खा लो। फरहत चलो शाबाश खाना खा लो।
घाव के पूछो ना कभी तंग।